Imagine. Imagine what a bird feels like when it's born. Humans keep looking for their sole purpose to this life, but birds just know. Right from the day they are born, they know the purpose to this life. That purpose is flying. Such beautiful creatures, they are the symbols of freedom, peace, and love. But how do we balance peace when the symbols are only destroyed? How do we love our nature when for pleasure we destroy it? Shunyta Films takes an initiative to save the wings, an awareness campaign to protect birds from being injured through Chinese manja, a plastic-coated thread which is used for kite flying in various places of India. 15 अगस्त पे तो कम से कम अच्छी खासी लाखों रुपए की सेल होती है, मगर जब से ये चाइनीज मांझे आए हैं जब से सेल बहुत कम हो गई है। और ये चाइनीज मांझे के चक्कर में हमारा जो बरेली का पुराना मांझा था वो अच्छा हुआ करता है, और ये चाइना मांझे सस्ते के चक्कर में ये बिकता है और गलत चीज़ है। इतना जानवरों को सबसे ज़्यादा पक्षियों को नुकसान कर रहा है, इसी वजह से हम चाहते हैं चाइना मांझा बंद हो जाए। चाइनीज मांझा बिल्कुल बेकार है ये, एक तो दूसरी बात है टूटता नहीं है, इसके अंदर धार बहुत होती है इसके अंदर, और ये पेड़ों में उलझ जाता है तो उसके अंदर चील वगैरह और कबूतर वगैरह जो है छूटते नहीं है, मर जाते हैं इससे। हाथों में बैठ जाता, उंगलियाँ कट जाती है। टाके लगे थे हमारे एक दोस्त के पिछली 15 अगस्त पे, मतलब 12-13 टाके आए थे उसके। तो ये मांझे तो बेकार है, इसको आप बंद ही करा दो तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को जैसे प्लास्टिक की नई आइटम मिलती है इस वजह से वो लेते हैं। दरअसल ये प्लास्टिक कोटेड है, तो प्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा टूटता नहीं है, जो बेसिकली आदमी सब लोग इसको तोड़ के देखते हैं, ये टूटता नहीं है तो ये बढ़िया हो जाता है। पक्षी इन्वायरमेंट में तो नुकसान है ही, इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन अब पक्षी वाला जो इश्यू है वो तो पहले से चला आ रहा है, वो तो इन मांझों से भी होता है, लेकिन ये टूट जाते हैं, ये टूटता नहीं है। लाल किले पे जैन मंदिर है ना, वो तो वहाँ पर पता लग गया कितने मांझे से और ये प्लास्टिक से कट के वो होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास डेली 50 to 60 इंजर्ड बर्ड्स की ओपीडी आती है, और ये जो इंजर्ड बर्ड्स हैं ये किसी भी पतंग के धागे से या फिर किसी चीज़ के टकराने से, फैन वगैरह से घायल होकर के आते हैं हमारे पास। हम इनका फर्स्ट प्रिकॉशन करते हैं, हम सबसे पहले इनको फीवर के लिए और पेन किलर मेडिसिन देते हैं और साथ में एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, और फिर आधे घंटे के बाद हम इनकी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। लास्ट ईयर 15 अगस्त पर 250 काइट्स आई थी हमारे पास, जो इंजर्ड घायल थी, जो पतंग की डोर से जो कटी हुई थी, और नियर अबाउट 450 के करीब पिजन्स आए थे जो कि काइट से ही कटे थे। विंग्स कट जाते हैं, बोन तक कट जाती है इनकी, इतना स्ट्रॉन्ग मान जाता है ये आजकल का। देखिए अगर इनका जो विंग्स कट जाता है तो ये पूरी लाइफ कभी उड़ नहीं पाएंगे, अगर ऐसा अगर किसी इंसान के साथ हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में इंसानों को सोचना चाहिए। देखिए लोगों को सबसे पहले मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कम से कम क्या पतंग काइट्स को तो उड़ाना ही नहीं चाहिए, जो कि वही जिससे कि पक्षी घायल होता है, और जी को भी कोई इंजर्ड घायल बर्ड मिलता है और वो हमारे यहाँ से हॉस्पिटल से दूर होता है, तब वो हमारे पास अगर हमसे कांटेक्ट होता है तो हम उन्हें फ़ोन पर कुछ मेडिसिन बताते हैं, जो एक पेन किलर होता है और एक एंटीबायोटिक्स होता है, और साथ में घायल बर्ड के लिए हम उनको बीटाडीन के लिए प्रिकॉशन करते हैं कि उन्हें बीटाडीन वगैरह लगाएं जख्म पर। कोई बर्ड मिलता है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके हमारे यहाँ जैन चैरिटेबल बर्ड हॉस्पिटल में छोड़ करके जाए। आई एम डॉक्टर सुनील भट्ट, आई एम ऑल्सो अ बर्ड लवर। वेन एवर आई एम इन दिल्ली आई यूज टू कम टू दिस प्लेस फॉर सर्विस टू बर्ड्स। दिस हॉस्पिटल हैज़ बीन स्टार्टेड बाय सम ग्रेट जैन सेंट। दिस बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 52 एंड द बर्ड्स हॉस्पिटल हैज़ स्टार्टेड इन 52। एट प्रेजेंट वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 5,000 बर्ड्स इन दिस हॉस्पिटल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। We do treatment by two ways, in indoor department and in
OPD department. OPD means if somebody gets his own bird, we treat that bird, we give him medicines, and he takes the bird back. Indoor means anybody who happens to see a bird, he brings that bird to this place, he deposits that bird here. We issue a receipt against that bird, then it's our property, we treat the bird and then we release that bird. The main aim of this hospital is to release the birds, treat the birds and release them in their natural environment. So on 15th of August or around 15th of August, we get maximum injured birds which are being injured by kite strings. All the threats are dangerous, whether it is Indian thread or Chinese thread. These days we have maximum, we get Chinese thread. It is more dangerous. Suppose if some bird happens to come across a Chinese thread, it cuts it into two pieces. So we appeal to general public that please don't fly kites, don't use these strings, kite strings. It is not good for birds. I appeal to public that please come and donate here. It is unique hospital because it is being run on donations only. People should come forward, they should donate medicines, they should donate grains, they should donate money for the welfare and safety of birds. I appeal public to do the same.